छुट्टी हो रहा है और ये रहा उत्तम सर का ऑफिस लास्ट में। सो गाइस चलते हैं नाश्ता करने के लिए। ये रहा चाय, टोस्ट, मक्खन, पावरोटी सब एक साथ। सो गाइस अभी जैकी को मोइन खिला रहा, बिकॉज जैकी आजकल बहुत एग्रेसिव रह रहा है ना, मोइन गुस्सा हो जाता है, खिलाना पड़ेगा उसको। कहाँ गुस्सा हुआ पकड़ लिया था क्या? सो भी क्या ना, चमका दूसरा फिर हिलना नहीं है एकदम। आग बंद ठीक है, फिर एकदम। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड आज मेरे को जाना है स्कूल अपने, बिकॉज मैं जब लास्ट टाइम फेल हो गया था क्लास 12 में, लास्ट टाइम का इसी साल में फेल हुआ था, तो मेरे को जाके चेक करना है कि मतलब ऑन डिमांड मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा या फिर स्टार्टिंग से ही एग्जाम देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ अप्रैल तक मेरा एग्जाम पर क्लियर हो जाए। चलते पहले स्कूल और पता कर लेते सर से कि मतलब क्या करना है, या अप्रैल में डायरेक्ट मैं एग्जाम दे सकता हूँ या फिर ऑन डिमांड मेरे को एग्जाम देना पड़ेगा। चले चलते स्कूल। अभी मैं बाहर जा रहा था और मेरे को देख के जाए कि कितना पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखिए बैठो अल्लाह चलो बेगर बुलाया जाएगा, बुलाने का जरूरत नहीं है, देखिए सब परेशान करता है आपको। देखिए इधर आओ, देखिए आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ बैठो। अल्लाह उसे बैठ नहीं रहा था मालूम है, अभी तेरा जूता चप्पल बेचारा तुम्हारे को देख रहा है कि मालूम नहीं, कहीं धोखा दे दे। बैठो 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 जल्दी बैठो बैठो बैठ जाओ बाबू बैठ जाओ बैठो बैठो आ जाओ जाओ उसमें जाओ बैठ जाओ। जा रहे हम जा रहे, तो मैं नहीं बैठ रहा, जा रहे हम जा रहे ठीक है ना तो बैठ इसमें आ बैठो बैठो। देखिए कपड़ा भी ऐसे नहीं बैठ रहा, बैठो अंदर बैठो, उसका पूंछ पीछे वो खुद बैठ जाएगा, चला जाएगा अंदर। जैकी का दूम भी बड़ा हो गया, वापस निकाल के देख रहे हैं एक मिनट। अल्लाह का है क्या कर रहा है, इसलिए तुम लोग की बात नहीं मानते हैं। बाहर निकल, अल्लाह बाहर निकल नहीं निकल रहा है, बाहर निकल तो पापा ना नहीं निकल रहा है, मियाओ कर जाओ बाबू जा, इनको सर में ही ठंड लग रहा है। हमको स्कूल जाना है, अब तुमको लेके जाए हम, क्या लग गया तुमको लेके जाए हम, दुकान आ चुके हैं। मोइन बस सीरियल देख रहे थे बैठ करके, अभी मालूम है क्या हुआ, लाने का समझ में ना सीढ़ी पे दूसरा बिल्ला था तो उसको छेड़ा करने के लिए अंदर में कूद रहा सिर्फ। चलते गाड़ी ले चुके, चलते स्कूल डायरेक्ट। सो गाइस चलते हैं स्कूल के पास, और बस स्कूल यहाँ से थोड़ा सा ही सामने है, मार्टिन ब्रिज के तो नीचे ही है, और मार्टिन ब्रिज पे कर लेते हैं गाड़ी पार्किंग और चलते हैं सीधा स्कूल। तो अंदर आ चुके हैं, सब बच्चे का भी छुट्टी हो रहा है, यहाँ सबका छुट्टी हो रहा है और ये रहा उत्तम सर का ऑफिस लास्ट में। ऑफिस बंद है, ऑफिस बंद है यार, लॉस हो गया इतना दूर से आके, लॉस हो गया बिकॉज ऑफिस तो बंद है सर, है भी नहीं इतना दूर से, क्या मतलब मोहल्ला से यहाँ आकर के
पर मेरे को खाप डाला बिकॉज मेरे को जल्दी से जल्दी पता करना है, मे भी होता है एडमिशन का टाइम खत्म हो जाए और मेरे को मालूम भी ना पड़े, इसलिए मेरे को जल्दी से करना है, जल्दी से मेरे को क्लास 12 तो भाई पूरा कंप्लीट करना, उसके बाद ही कॉलेज में जा पाऊंगा। एंड वैसे भी स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्टडी लाइफ भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब क्या करूँ, सर तो है नहीं, ऑफिस बंद है, बच्चे लोग छुट्टी हो रहा है, शायद हो सकता उसके बाद आए। चलते हैं नीचे। सो गाइस, उत्तम सर नीचे वाले ऑफिस में, ऊपर वाले ऑफिस में नहीं है, तो बस हम लोग वेट कर लेते हैं सर का। सो गाइस, तो उत्तम सर तो नीचे वाले ऑफिस में बिजी है और बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं वो, बिकॉज अभी जो ये विक्रम ब्रांच के जितने भी सर हैं उन लोग से बात वो कर रहे हैं, तो फ्री होंगे तभी मैं बात कर पाऊँगा। और एक सर मेरे को मिले जो मेरे को बोल रहे ऑन डिमांड ही, तो महीना मतलब मंथली बाय मंथली अगर दे सकते हो, साल बाय साल, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो जल्दी में थे बस बोल ले चलिए, क्या कर सकते हैं। बस उत्तम सर का मैं सोचा उत्तम सर का या तो वेट करूँ या फिर चलते हैं कल ही आएंगे, बिकॉज ऑफिस ऊपर का क्लोज हो चुका है तो लगता नहीं कि ऑफिस अब खुलेगा, और नीचे में सर पूरी तरह से बिजी है, मैं देखा कंप्यूटर चला रहे थे, मतलब वो पॉसिबल नहीं कि सर से मैं मिल पाऊँगा। और यही मैं आया था एग्ज़ाम देने के लिए लास्ट टाइम, बहुत ज़्यादा मस्ती किया था, मतलब ऊपर ऊपर में भाग करके मज़ा आता है। और अभी फिर एक सर से मेरा बात हुआ जो मेरे को बोल रहे कि हाँ डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो फ्रेशर्स बन करके, मतलब रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, आप सिर्फ एग्जाम फीस जमा करते हो और आप एग्जाम दे सकते हो। जो जो भाई फेल हुए ना आप लोग यही करना, ऑन डिमांड अगर नहीं देना चाहते हो तो आप लोग उसी एडमिशन में आप सिर्फ एग्ज़ाम फीस भर करके एग्ज़ाम दे सकते हो। पर मेरे को अभी भी कन्फर्म करना उत्तम सर, तो मैं सोच रहा हूँ उत्तम सर अभी नीचे बिजी है तो मैं कल वापस से आऊँगा, पर हाँ बिकॉज भाई लाइफ का सवाल है तो रिस्क नहीं उठा सकते। और अब मैं चलता हूँ सीधा घर, बिकॉज मैंने नाश्ता सिर्फ किया है, खाना नहीं खाया, तो खाना खा लेते हैं और जाके मेरे को नहाना भी है, बिकॉज रोज़ नहाने से एक फ़ायदा रहता है कि पूरा बॉडी फ्रेश रहता है। और जैसे लेकिन अभी मेरे को अभी मन करा ना मैं सो जाऊँ, इतना गंदा नींद आ रहा मेरे को पता नहीं क्यों, तो घर जाऊँगा नहा लूँगा उसके बाद मेरे अंदर एनर्जी रहेगा, उसका दिन चला कहीं जाएंगे। सो गाइस, दुकान आ चुके हैं और जैकी खुद घर में जाने के लिए तैयार है। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ जाओ, बहुत घूम लिए, जाओ जैकी अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, खुद जाएगा वो, बैठ जाओ। सो गाइस, घर आ चुके हैं, घर आते ही जैकी पानी पीना शुरू कर दिया और यहाँ दूध गर्म हो रहा ना, क्या खाएं अब, पिट पे आ गया, चलो चलो आओ। अरे काट रहा है। सो गाइस, तो रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं नीचे। सो गाइस, तो मैं हूँ अभी दुकान में और मोबिन भाई तो घर में है, ये रहा मोइन। अब मोइन भाई को ना बहुत गंदा हाथ लग गया सीरियल देखने का, तो मोइन भाई सीरियल लेते हुए सो गए थे, मोइन अब तक वेट कर रहा है ना, मोइन अभी तक आ ही रहे हो। सिर्फ मोइन सिर्फ कॉल करके मतलब पता कर रहा है कि मोइन भाई क्या कर रहे हैं, मोइन भाई क्या कर रहे हैं, मोइन भाई आराम से सो करके। सो ऐसा ही मैं हूँ पेट्रोल पंप पे, तो पहले पेट्रोल भरा लेते हैं, उसके बाद हम लोग को जाना है अरविंदो मॉल, जाएगा ना अरविंदो मॉल, जाना है अरविंदो मॉल, भाई को जींस लेना है, हाँ हेलमेट, हाँ हेलमेट अगर होगा तो कलकत्ता भी जा सकते हैं। सो गाइस, हम लोग अरविंदो मॉल के पास है और बस अभी अरविंदो मॉल में एंट्री मारने वाले हैं हम लोग, ये भाई भी पीछे है, चलो आ चुके अरविंदो मॉल। गर्ल्स वाला जींस ले लो, अच्छा फिटिंग आएगा भाई, देख गर्ल्स वाला अच्छा फिटिंग आएगा कसम से। ऑनलाइन भी ले सकते हो, हम लोग जींस देख रहे हैं बाय वन 1499 से लेकर 1699 तक के कोई भी माल या 1899 का माल ले सकेंगे, एक जींस लेंगे एक कुछ भी लेंगे उसमें 399 रुपये ऑफ हो जाएगा, गेट 399 ऑफ, ठीक है 400 रुपये ऑफ वहाँ ऑफ कराएंगे, 500 रुपये कूपन है, 900 रुपये हो गया, 400 रुपये पेंट कर देंगे ले जाएंगे। यार दिमाग अपना बहुत छोटा है, तो मैं वो भी ट्रेन के अंदर और पेंटलून मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया बिकॉज कोई भी ऑफर नहीं है, यहाँ भी कोई भी ऑफर नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ कलेक्शन है जींस का,
बाकी यह ज्यादा कलेक्शन नहीं दिख रहा मेरे को, मतलब ब्रांड पहले कलेक्शन दिखता था, बिल्कुल कलेक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ थोड़ा हुडीज हुडीज का कलेक्शन है बस। बहुत ही निहायत ही अफसोस के साथ बोला जा रहा है भाई को जींस मिला नहीं, मतलब एक जींस पसंद आया उसका साइज नहीं था ना भाई। पसंद तो आया बट साइज नहीं था, उसका साइज नहीं था। डिस्काउंट इतना हम कर दे रहे थे उसमें कि 400-500 रुपए में घर ले आ रहे। सो गाइस, तो अभी हम लोग टिकिया पारा में और मैं लेने आया हूँ चिकन। चिकन खाना है ना? कौन सा खाएगा देख लो। चिकन बर्गर भी है, बोनलेस है। बर्गर में मेयोनीज रहेगा, बन रहेगा। सो गाइस, तो हमारा बर्गर आ चुका है, चिकन बर्गर। खोलो ना, कैसा देखा? आराम से गिरा मत देगा। है तो अच्छा यही बनेगा, हमें 20 सेकंड में खाने ना। चैलेंज बनाना पड़ेगा, फूड ब्लॉग। टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गिरा मत, खाओ। बिस्मिल्लाह। हमारे साथ पूरा मेरे हाथ से गिरने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आराम से करो, बिस्मिल्लाह करके करो। चिकन सामने है, सीधे करा, पीछे चिकन ही नहीं है। ये तो स्कैम हो गया है। 60 रुपए का है, इसलिए चिकन सामने है। स्कैम हो गया इसमें भी। कैसा है? गरम है। गरम पे गरम तो रहेगा ही, धुआं निकल रहा है। टेस्ट कैसा है? मेन चिकन का टेस्ट आ रहा है हल्का, तेरा मायवी से टेस्ट आ रहा है, बाकी ओवरऑल बेस्ट है। चलो अच्छी बात है। जो मजा है चिकन की वजह से, चिकन अच्छा बना हुआ इसलिए बर्गर का टेस्ट आ रहा है। बन भी बहुत सॉफ्ट है, बन सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरे को लगा था कि चिकन कम है, भाई चिकन अंदर तक है वो भाई, तो ढका हुआ था भाई, तो ढका हुआ था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। टिक्का पारा में हावा चिकन फ्राई HFC, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और यहाँ ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, 3 किलोमीटर तक है ना? 3 किलोमीटर। अभी हम लोग लीलवा साइड में और बस ऐसे ही घूम रहे हैं, जा कहाँ रहे पता नहीं, पता नहीं फिलहाल तो पता नहीं। और अभी हम लोग लीलवा साइड में और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? हाथी मॉल के पास फिलहाल जा रहे हैं। चलते ही जा रहे हैं बस हाथ में हैंडल है और लोकेशन पता नहीं, जहाँ मन वहाँ। सोलह दुकान आ चुके हैं और मतलब कहाँ घूमे तो मैं खुद ले मालूम, ये ना गाड़ी। अब चलते सीधा घर खाना खाने के लिए। गुलाब भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हो जाए कि? सो गाइस, तो कल फहीम का एग्जाम है इसलिए माशाल्लाह फहीम कर रहा है पढ़ाई। इम्बेरेस का पढ़ाई कर रहा है मेरा भाई, अभी से थोड़ी सुबह से कर रहा है। झूठ का बोल रहा है, कुछ चित्रा गए थे उस रूम में, पूछ लीजिए। सुबह से पढ़ाई कर रहा है